रिसेंटली मैंने एक फिल्म देखी मलंग, आपने भी देखी होगी और आप शायद मुझसे इत्तेफाक भी रखेंगे कि फिल्म का क्लाइमैक्स जो था वो हीरो था, क्योंकि फिल्म चल रही है, पूरी फिल्म में एक इंसान ऐसा है जिसके बारे में कुछ पता नहीं है कि क्या है, मतलब वो भी सस्पेक्ट हो सकते हैं, लेकिन या यू गॉट इट राइट, कुणाल खेमू, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर कुणाल। कैसे हो, कैसे जाता है ऐसे, मतलब एकदम शांत सा चेहरा बना करके इतनी इतना कुछ कैसे कर जाते हो? आई थिंक जब इस तरह का किरदार आपको मिलता है तो उसे करने की एक्साइटमेंट इतनी होती है कि पहले वो दबानी पड़ती है और फिर जब वो फटती है तो वो पूरी तरह फटती है। तो आई थिंक माइकल का किरदार भी कुछ ऐसा ही था, जो मुझे जब मैंने उसके बारे में सुना तो पहले मुझे भी ऐसा लगा कि अरे बाप रे, तो बड़ा अलग है। बट आई रियलाइज़ कि इस तरह के किरदार ज़्यादातर लिखे नहीं जाते, और अगर लिख भी लें तो फिर मोहित जैसा मेकर अगर उसको बना रहा है ना तो उस पर एक एडेड इंसेंटिव आ जाता है। तो मैं खुशनसीब मानता हूँ अपने आप को कि मुझे मौका मिला पहले तो इस किरदार को निभाने का मोहित के साथ, और अब जाके बहुत ज़्यादा खुशी है और थोड़ा चैन की सांस भी ले रहा हूँ कि इट्स वर्क और लोगों को ये पसंद आया है, एंड ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल, एंड द काइंड ऑफ लव जो मुझे इस फिल्म की वजह से मिल रहा है, जो कुछ भी मैं सुन रहा हूँ, जो कुछ भी लोग मुझसे कह रहे हैं, आई एम वेरी 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 हम्बल्ड बाय इट। कुणाल, बहुत बचपन से आपने फिल्मों में एंट्री ली है, और चाहे वो बचपन का भी किरदार हो, मतलब वो भी आपने एक ऐसे ही बच्चा है फिल्म में वो नहीं था, मतलब कुछ तो था। आई स्टिल कांट गेट ओवर योर परफॉर्मेंस फ्रॉम दैट फिल्म वेयर जख्म, आई स्टिल कांट, वो जो पत्थर बनी हुई आंखें थी आपकी, यानी वो जस्ट लुकिंग एट योर मॉम, तो कब पहली बार ऐसे लगा था कुणाल कि आई वॉन्ट टू एक्ट? कभी दैट इज दैट फिल्म जख्म, बिकॉज तब तक आई यूज टू एंजॉय इट, लेकिन उस वक्त सिर्फ यही था कि मज़ा आता था पर्दे पे काम करने के लिए, क्योंकि जब जाते थे तो इतने बड़े स्क्रीन पे अपने आप को देख रहे हैं, तो वो कहीं बचपन आता और थैंकफुली वो बचपन से मुझे ना ऐसा था कि मुझे हमेशा सुनना था कि मैं क्या रोल कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे मज़ा आना चाहिए उसमें, क्योंकि आई थिंक तब भी मुझे ऐसा था कि मैं थिएटर में जाऊंगा और अगर 5 सेकंड में ख़त्म हो गया तो फिर मुझे नहीं करना है कि मैं क्यों जा रहा हूँ फिर करने के लिए, और उस वजह से मैं कोई भी हो सकता है करेक्ट, बट आई एम वेरी हैप्पी कि बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स नो दैट सपोर्ट वॉज ऑलवेज देयर, एंड भट्ट साहब यूज टू ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट, और वो मुझे बाकायदा कहानियाँ सुनाते थे पूरी फिल्म की, और आई थिंक भट्ट साहब इज़ दी ओनली डायरेक्टर जिनके लिए ना मैंने कभी हीरो का बचपना किया, नहीं तो मैं हमेशा कहता था मुझे हीरो का बचपना नहीं करना है क्योंकि मैं खुद पिक्चरें देखता हूँ और वो बेचारा कहाँ गायब हो जाता है बच्चा, कोई भी चाइल्ड एक्टर मतलब हार्डली कोई है जो मतलब है, लेकिन उर्मिला मटंडकर एंड यू आई थिंक जी, बट भट्ट साहब यू शू ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट, बट ही वॉज दी ओनली पर्सन जिनके लिए मैं, क्योंकि वो मुझे अगर थोड़ा भी जैसे सर में एक छोटा सा रोल था पर उन्होंने मुझे पूरी कहानी सुनाई, उन्होंने को बोला मुझे तू चाहिए, मुझे इस तरह का चाहिए, सो विद भट्ट साहब आई टू मेक द एक्सेप्शन, एंड जख्म के समय यही हुआ था कि मैं, क्योंकि मैं 10th आने वाला था एंड आई वॉज नॉट स्टॉप्ड वर्किंग, और वो फिल्म एक साल पहले बननी थी जब वो बनी उससे, तो मैंने हाँ कही थी लेकिन फिर 10th में हो गई तो हमने कहा नहीं, तो भट्ट साहब ने बोला मैं फिल्म ही नहीं बनाऊंगा, and I'm so happy that he did that and because of that I said no I will do it and they made an exception for me, or it was during that film and when that film came out jab mujhe aisa laga yaar is tarah ka pyar na mujhe nahi mila hai abhi tak, wo milta tha ki kitna sweet hai kitna masti kho raha hai film mein ye wo, but that was the first time that as an actor I got a respect at the age of 15, us wajah se mujhe aisa laga ki I definitely want to give it a shot, I want to try and be an actor, if I am not able to then I will do something else, और इसीलिए शायद जो साइंस की पूरी पढ़ाई करके साइंस के सब फॉर्म भरे थे उसमें से एक लकीली एनएम कॉलेज में कॉमर्स का भरा था जो मुझे करना मिला, और फिर मैंने थिएटर किया क्योंकि आई वांटेड टू बी ऑन स्टेज और वो एक्सपीरियंस मिला, एंड लकीली अगेन भट्ट साहब वाज द पर्सन हु लॉन्च मी विद कलयुग। तो ऐसे में कुणाल, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, व्हाट काइंड ऑफ फिल्म्स, आपने बताया अभी मुझे, लेकिन आज सिनेमा का जो चेहरा है वो बदल गया है, बहुत अलग अलग तरीके की फिल्म आ रही है, OTT प्लेटफॉर्म आ गया है, तो हाउ, वेयर डू यू लुक योरसेल्फ, वेयर डू यू सी योरसेल्फ लाइक डाउन 5 years डाउन द लाइन? यू नो आई हैव, मे बी इट्स अ गुड और बैड थिंग बट आई डोंट नो, बट आई हैव नेवर सीन माय सेल्फ एट अ सर्टन प्लेस, एंड दैट कैन बी रॉन्ग ऑल्सो बिकॉज यू नो यू हैव टू हैव योर गोल्स सेट एंड यू वर्क टूवर्ड्स, बट आई हैव ऑलवेज एंजॉयड द होल प्रोसेस ऑफ फिल्म मेकिंग and not just acting, I like to get involved right from the writing process, I love going to recordings, I love to sit at edits and see how it is happening. अच्छा, वो process आपको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है वो process, और even though acting is my first love, I would like to think that I really enjoy and I almost love as much
the whole process. But yes, the most happiness that I get is just being in front of the camera and acting and trying to play a part that is not actually me. You get a chance to live another life. So I have never thought of things too much, and I've been an instinctive person, or I don't think ki there was a thought to say ki main kuch alag karta hu. जैसे मुझे याद है जब कलयुग और ट्रैफिक सिग्नल के बाद मैंने ढोल करने के लिए चाहा तो मुझे लोगों ने बोला तू पागल हो गया, सोलो हीरो होता है तू, चार हीरो में जाके क्यों कर रहा है ये बिजनेस. आई शुड हैव लिसन टू देम मे बी एंड द बिजनेस वुड हैव बीन डिफरेंट. बट मुझे ऐसा लगा कि मेरे साथ उस वक्त कोई कॉमेडी नहीं करता क्योंकि उन्हें नहीं पता था मुझे कॉमेडी आती है, क्योंकि जख्म देखी थी उसके बाद. हाँ, कलयुग थी, ट्रैफिक सिग्नल थी, सीरियस हीरो के तौर पर. प्रियन सर उस पिक्चर को बना रहे थे, आई लव दैट डायरेक्टर, बट उस फिल्म वो दे सेड इट्स अ फोर बॉय फिल्म, आई सेड आई विल डू इट. एंड इसीलिए की सो मैंने ये आई रियलाइज दिस टुडे कि जब आप इंडस्ट्री में आते हैं ना, आप एक रोलर कोस्टर पे बैठ जाते हैं और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए. फॉर्मूला नहीं है बस. अब आपको पता नहीं है ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा पलटी मारेगा कैसे जाएगा और क्या चलेगा, वो किसी को नहीं पता. तो यू जस्ट हैव टू कीप वर्किंग एंड यू हैव टू, आई ओनली फील दैट द ओनली थिंग यू कैन वर्क ऑन एंड चेंज इज योर सेल्फ. तो द लीस्ट आई कैन डू इज चूज द वर्क दैट आई हैव फन डूइंग एंड आई एंजॉय डूइंग, वेदर इट वर्क्स और नॉट. आई एम जस्ट अ स्पेयर पार्ट इन दिस बिग स्कीम ऑफ थिंग्स. सो क्लियर इन योर माइंड. अगर मतलब आपने कॉमेडी की बात की, मुझे लगता है गोलमाल से बड़ा फ्रेंचाइजी तो मतलब है नहीं, फिर आ रहा है. सो प्रिपरेशन शुरू अभी. आप लोग तो ये हो मतलब वो उस एक होल्डर्स बन गए. उस फिल्म में एक्चुअली प्रिपरेशन जैसा कुछ है नहीं. वो एक दिन जब फोन आएगा ना, उस दिन हम बस्तर बांधते हैं और बोलते हैं अब हम जा रहे हैं हॉलीडे पे मस्ती करने, और फिर आ जाएंगे और फिर लोग ये मस्ती देखने आएंगे और उनको भी मजा आएगा. सो इट्स जस्ट लाइक मतलब यू जस्ट गेट ऑन टू इट्स वन ऑफ दोस हैप्पी प्लेसेस टू गो. आप ऐसी फिल्में करते रहे बिकॉज अच्छी फिल्में लोग हमेशा देखते हैं, चाहे वो कितने भी प्लेटफॉर्म्स आ जाए, कितने भी लोग आ जाए. थैंक यू सो मच कुणाल, लवली मीटिंग यू. सेम.